अरे बाबू ये क्या हुआ, कयासों के परे आखिरकार हरियाणा के चुनाव परिणामों ने सबको चौंका दिया है, साथ ही कांग्रेस को तगड़ा झटका भी दिया है। जहां भाजपा की 30 सीट के अंदर खिसकने की बात कही जा रही थी, वो पार्टी अब इतिहास बनाने की दिशा में बढ़ चली है। भाजपा एक ऐसी पार्टी होगी साहब जिसने हरियाणा में हैट्रिक लगाकर वाकई इतिहास रच दिया है। दरअसल कई बड़े कारण हैं जिन्होंने इस चुनाव को प्रभावित किया। अव्वल तो कांग्रेस खुद के बूते चुनाव जीतने की सोच लेकर जो आगे बढ़ रही थी वो यहाँ कारगर साबित नहीं। कांग्रेस ने जहाँ जहाँ अलायंस किया वहाँ उसको सियासी फायदा मिला। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी और सपा का साथ ना लेना भारी पड़ गया। दूसरा, पार्टी चुनाव में भरपूर ताकत से तो लड़ी लेकिन तैयारियों में देर कर दी, जबकि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के बाद अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करते हुए घर घर तक पैठ बनाने में रात दिन एक कर दिया था। तीसरा, कांग्रेस के भीतर पनपी गुटबाजी। ऐसा नहीं है साहब कि भाजपा इससे अछूती हो, लेकिन समय रहते स्थिति को संभाल लिया गया जबकि कांग्रेस अति विश्वास में चूक कर गई। चौथा, कांग्रेस से एक बार फिर दलित वोट छिटक गया। इस वोट ने भाजपा का भरपूर सपोर्ट किया। वजह तो और भी है साहब जो चुनाव के बाद समीक्षा के दौरान सामने आएंगे, लेकिन भाई लोकसभा के बाद कांग्रेस जिस तरह से आसमान में उड़ रही थी ना, हाँ, इन चुनाव परिणामों ने पार्टी को धरती पर लाने का काम जरूर कर दिया है। बाकी साहब ठीक है।